खालिस्तान ऐसा मुद्दा जिसने आजकल बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं। आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने, अलग अलग व्लॉगर्स ने कोई इन्फॉर्मेशन दी होंगी, न्यूज़ चैनल्स ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, कोई खालिस्तान के बारे में बता रहा है कि आखिर ये है क्या, कोई ये बता रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन जो जड़ है तय तक किसी ने जाने की कोशिश नहीं करी। कहते हैं ना कि किसी भी बीमारी का इलाज अगर करना है तो सबसे पहले उस बीमारी की जड़, उसके कीड़े को पकड़ना जरूरी है, किस वजह से वो बीमारी हो रही है। तो मैं ऐसे ही आपको एक इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि खालिस्तान की मांग कहां, कैसे, क्यों उठी, कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इसके बाद क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो खालिस्तान का ये मुद्दा है कोई आज का नहीं है, इस मुद्दे को हवा मिली सन 1984। दरअसल आपने भिंडरांवाले का इंसिडेंट तो सुना ही होगा, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत श्री हरमंदर साहब में भिंडरांवाले की वो मारा गया इंडियन आर्मी द्वारा, उसके बाद ये चीजें ज्यादा होने लगी। तो अगर पहले प्रोस्पेक्टिव मुद्दा ये नहीं कि क्या वो ऑपरेशन सही था या गलत था, अकॉर्डिंग टू मी वो ऑपरेशन बिल्कुल गलत था। ब्लू स्टार ऑपरेशन अपने ही घर में ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन करने की जरूरत थी ही नहीं। वो एक, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि इट्स अ ग्रेट सिन, ग्रेट सिन एक महापाप हुआ हमारे देश की सरकारों से, जो श्री हरमंदर साहिब में सिखों की सबसे पाक पवित्र जगह, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना, हमारे लिए अयोध्या है, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए श्री हरमंदर साहिब है, तो वहाँ पे अटैक होना, इंडियन आर्मी का जाना, बम्बार्टमेंट होना, तो वो एक ग्रेट सिन है, हमारे से पाप हुआ है। लेकिन वो हुआ क्यों? दरअसल कुछ उग्रवादी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि उग्रवादी भिंडरांवाला, भिंडरांवाले के साथ के जो लोग थे, श्री हरमंदर साहब में पनाह ली उन्होंने, उसके बाद वो एंटी स्टेट की एक्टिविटीज करते रहे थे, ऑपरेशन हुआ, ब्लू स्टार हुआ, ओके। लेकिन भिंडरांवाले की मैंने आज तक कहीं भी ऐसी स्पीच नहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा हो कि हमने खालिस्तान चाहिए, यानी कि खालिस्तान मतलब क्या है कि भारत देश से एक अलग देश पैदा करना, जिसमें वो सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल को भी इंक्लूड करते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा भी है। खासकर वो खालिस्तान राज के पीछे महाराजा रणजीत सिंह का राज बता रहे हैं कि खालसा राज जो समय था महाराजा रणजीत सिंह का, हमें वो राज चाहिए। जैसे ही भिंडरांवाले की हत्या हुई तो जो उनके साथ के कुछ लोग थे कुछ तो पाकिस्तान चले गए, उनको वहां से ISI से फंडिंग हुई, ISI K2 प्लान चला ही रही है, कश्मीर प्लस खालिस्तान। उसके बाद कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में चले गए, लाइक USA, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में चले गए और उन्होंने वहां से प्रेड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, जो आप लोग खुद देख रहे हो, कुछ लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ज्यादातर इनमें वही लोग देखोगे जो उस टाइम पे 1984 से लेकर 2000 के बीच में वो चले गए, क्योंकि उसके बाद टेरर का जो युग आया, तकरीबन 10 साल तक पंजाब अनस्टेबल रहा इसी के चलते। लेकिन भिंडरांवाले के ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हो गया कि पंजाब स्टेट को इतना ज्यादा वर्नेबल बना दिया गया, इतना ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि अंदर उनके खीज, सरकार के प्रति नफरत पैदा होने लगी, स्पेशली सेंटर के। भिंडरांवाले का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिसके तुरंत बाद कुछ लोगों का कहना था कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो छोटे मोटे इलाकों में भूकंप तो आते ही है, लेकिन वो नलायक इस बात को भूल गए कि जिन इलाकों में भूकंप की वो बात कर रही है वो हमारे ही देश के वसनीक हैं, सिर्फ हिंदू सिखों के। अब कुछ लोग इस मुद्दे को हिंदू सिख के साथ जोड़ के कंपैरिजन कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग वो गलत है, इट्स जस्ट बिटवीन स्टेट एंड सिख। वो क्या हुआ, हाँ नो डाउट जो कुछ लोगों ने आक्रमण किया वो हिंदू कम्युनिटी का नाम लेते होंगे, लेकिन जो सच्चा हिंदू है वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, मेरा ये आज भी मानना है। तो क्या हुआ, उसके बाद दंगे शुरू हुए दिल्ली में, लाखों लोगों का, जिनके हजारों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में जो लेडीज हैं, सिख लेडीज हैं, उनका रेप हुआ, जिंदा घरों में टायर डाल के ढाल उनको जलाया गया, मारा गया। ये चीजें मेरे बुजुर्गों ने तो खुद आंखों से देखी हैं, इतनी ज्यादा, और स्टेट हंस रही थी, इसमें कोई शक नहीं। जो तब के कांग्रेस के लीडर थे, इंदिरा गांधी के बाद जो राजीव गांधी को बनाया गया PM, वो लोग सारे हंस रहे थे कि देखो देखो ऐसे हो रहा है, पंजाब पूरा जल रहा था, दिल्ली पूरा जल रहा था, पंजाबियों को पूरा एहसास कराया गया कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। सरकार चाहती तो उन सबको रोक सकती थी, जिसमें सज्जन कुमार का नाम का एक टाइटलर और एक जगदीश टाइटलर शहर, ऐसे दो नाम सामने आते हैं जो मेन इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन आज तक उनको सजा नहीं मिली उस मुद्दे की। तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान वाला मुद्दा और ये भावनाएं जो है वो कांग्रेस की ही देन है, जिसने हमेशा, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं लेकिन सच बता रहा हूँ,
जिसने हमेशा देश को तोड़ने की बात करी, बेशक वो पीडीपी जैसे राजनेताओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हो या पंजाब में हो। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस से की ही जैसे कहते हैं ना पंगे डाले हुए हैं, है ना। सिक्स वांट देयर जस्टिस कि लोगों को उनको पकड़ा जाए, सजा मिले, तक आज तक सजा नहीं मिली। और उस मुद्दे में कुछ लोगों के जो सिख थे, विद्रोही सिख थे, उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस की हत्या कर दी, कुछ पुलिस वालों की हत्या कर दी और उनकी सजाएं उसके बाद पूरी होगी। लेकिन सजा पूरी होने के बाद भी उन लोगों को छोड़ा नहीं गया क्योंकि वो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ वो इन्वॉल्व है। खैर वो अलग कानूनी मसला है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। अब आते हैं इस मुद्दे के सोल्यूशन के ऊपर, आखिर खालिस्तान का मुद्दा टैकल कैसे होगा। सबसे पहली जो बात है, हमें पंजाब का पॉलिटिकल डायलॉग सेट करना होगा। जैसे अभी ये करंट चल रहा है तो पंजाब की एक वो बादल है, हरसिमरत कौर बादल, प्रकाश सिंह बादल की नू, सुखबीर बादल की बीबी, उसने कहा कि पंजाब स्टेट को साबित करने की जरूरत नहीं, हम कितने देशभक्त हैं। तो ये बिल्कुल ऑफकोर्स साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो ऐसी नॉन स्टेट एक्टिविटीज़ हो रही है वो भी पंजाब से हो रही है, इसको हमें भूलना नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो हमें ये अकॉर्डिंग टू मी ये हमें डायलॉग्स सुधारने की जरूरत है, जो खासकर पॉलिटिकल जो लिंक्स हैं। अभी जैसे बीजेपी सेंटर में, तो बीजेपी शुड टॉक विद सिख लीडर्स, उनको कंफर्टेबल फील कराए, उनको बताए कि वो ऐसी हमारी कोई भावना नहीं कि हम सिखों के खिलाफ हैं, उनको भरोसे में ले, उनके साथ डायलॉग्स करे, डायलॉग्स करने के बाद ही आगे की प्रोसेस शुरू करें। दूसरा है सिक्योरिटी मेजर्स। पंजाब में आज के सिर्फ दो ही ज्यादा मुद्दे हैं, ड्रग्स और किसानी। आपने देखा होगा किसान आंदोलन पंजाब से ही पैदा हुआ, तो किसानों को उनके राइट्स मिले। ड्रग्स का मुद्दा जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, लीगल जो ये नार्कोटिक्स आता रहता है पाकिस्तान की तरफ से, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि पंजाब में आज के समय यही दो सेंसिटिव मुद्दे हैं। आवाम, पंजाब के जो लोग हैं, हम इसके पीछे सरकारों के साथ भिड़ रहे हैं, जंग चल रही है, किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन विरोध प्रदर्शनों की जो हीट है, इसका फायदा ये खालिस्तानी ग्रुप्स ले रहे हैं, अपना एजेंडा इनके बीच शामिल कर रहे हैं, लोगों को ये शो कर रहे हैं कि देखो हम इसलिए खालिस्तान मांग रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही, ड्रग्स से नशे के साथ हमारे नौजवान मर रहे हैं पंजाब के, हम उनको बचाना चाह रहे हैं। बहाना नशे का है लेकिन निशाना उनका अपना है कि पंजाब को बाहर से लग किया जाए। तो पहले तो इस मुद्दे को कवर अप करना जरूरी है। अगला है लीगल एक्शंस। पंजाब में जो लोग ऐसी मूवमेंट्स एंटी स्टेट मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉपर लीगल एक्शंस होने चाहिए, जैसे योगीनाथ आदित्यनाथ यूपी में कर रहे हैं, घर ढा दो उनके, उनकी प्रॉपर्टीज जब्त करो। और उनसे कौन कौन लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं इन्फ्लुएंस, हमें इसके ऊपर भी करना होगा क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मैंने खुद इसकी स्टडी किया, ज़्यादातर केसेस में देखा कि कोई ना कोई ऐसे लोग हैं या गैंगस्टर्स हैं जो पॉलिटिशियंस ने ही पैदा किए, उनके बाद उनको धक्का लगा या उनके परिवारों को तंग किया गया, उसके बाद वो गैंगस्टर बने, आगे इस ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ जाके मिल गए। तो लीगल एक्शन जो गलती करेगा सिर्फ उसे मिले। देखने में आया था 1984 के दौर में नाजायज इनकाउंटर्स हुए, गलत इनकाउंटर्स हुए, किसी को घर से, किसी ने पगड़ी पहनी देख ली किसी की, उसको घर से उठाया और उसका इनकाउंटर कर दिया कि ये इस मूवमेंट में शामिल है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना होगा। अगला है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, वो पंजाब में ऑलरेडी हो रहे हैं, NIA कर रही है, ATS कर रही है, पंजाब पुलिस भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रही है। जो लोग इनके स्लीपर सेल हैं, स्लीपर सेल मतलब कि जो ऊपर से कमान आने के बाद ही एक्टिव होंगे, नहीं तो अपने में रल मिल के रहेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे, पता नहीं चलेगा कि ये स्लीपर सेल है। तो ऐसे स्लीपर सेल्स को पंजाब से उखाड़ना होगा, खासकर ऐसे जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं जिनके पास ये ड्रोन्स वगैरह के सीव होते हैं। जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये ज़्यादातर लोग बॉर्डर एरिया से ही कनेक्ट होंगे, फिरोजपुर, फजल का, बठिंडा का कुछ रीजन आ गया, तो इसी एरिया से जो कनेक्ट है वहाँ पे अपने को स्लीपर सेल से ज़्यादा मिलेंगे, उनको कवर अप करना जरूरी है। सबसे मेन मुद्दा है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। पंजाब वैसे खुशहाल देश है क्योंकि हम मेहनत करने वाली कौम है, लेकिन पंजाब डेवलपमेंट के मसले में बिल्कुल जीरो है। कंपैरिजन करें पंजाब के पड़ोसी जो स्टेट्स हैं, अपना हरियाणा, दिल्ली, यूपी, तो इनमें डेवलपमेंट्स है रही हैं। डेवलपमेंट्स का मतलब ये नहीं कि रोड बन गए, सड़कें बन गई, मैं बात कर रहा हूँ एम्पावरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, इंडस्ट्रीज के प्रोस्पेक्टिव से। पंजाब में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट वाली इतनी बड़ी हब्स नहीं है जो पंजाब में हो। अभी पंजाब का यूथ है वो कहीं ना कहीं 80-90% खेतीबाड़ी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेकिन खेतीबाड़ी में भी उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, जिसके चलते वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होने के चलते पंजाब का आज 70% यूथ फॉरेन कंट्रीज को रीच आउट कर रहा है, जिसमें कनाडा है लार्ज नंबर ऑफ पंजाबी पर्सन। तो
अगर उनको यहीं पे एम्प्लॉयमेंट मिले, यहीं पे प्रॉपर उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब मिले, सैलरीज मिले, तो हम उनको रोक सकते हैं। आप अगर पंजाब का दुआबा एरिया देखोगे, बिल्कुल खाली हो चुका है, बाहर के लोग ही रह रहे हैं, जबकि जो वहाँ के हमारे लोकल बसनीक हैं वो फॉरन चले गए। कहीं ना कहीं घर छोड़ने की टीस का भी ये लोग फायदा उठाएंगे। फॉरन कंट्रीज में जाते हैं हमारे बच्चे यूथ पंजाब के, वहाँ पर उनको जल्दी जॉब नहीं मिलती और वो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स के अड़के आते हैं। ये लोग सैलरीज दे के, पैसा दे के प्रोटेस्ट करवाते हैं उनसे, और उनको लगता है जो हमारे बच्चे जाते हैं यूथ खास करके, कि चलो कुछ तो बन रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम झंडा लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन दे डोंट नो दे आर थ्रेट टू देयर ओन स्टेट। तो ऐसी चीज़ों के लिए डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। अब पंजाब अगर जैसे इंडिया पीओ के ले ले तो तब होप है कि पंजाब के कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो रास्ता जाएगा उसका एकमात्र जरिया है पंजाब। है पंजाब जाना ही होगा, ट्रेड बढ़ेगा और मिडिल ईस्ट के साथ बाया पंजाब रूट जो है पीओके वगैरह का रूट, तो ही पंजाब का ज़्यादा फायदा होगा। हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद है। अब दुख की बात यह है कि अडानी अंबानी जो चल रही हैं सारे मुंबई में बाया पोर्ट के साथ, तो पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा है, लेकिन पंजाब बॉर्डर से बिल्कुल बंद होने के चलते हमारा वो जो एरिया है रास्ता पाकिस्तान, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती करो, कतई ना करो, खड़े को मिलाओ, पीट फूट के वो गड़बड़ करते हैं हमारे देश में, लेकिन मैं सिर्फ पंजाब की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। तो पंजाब की ग्रोथ के ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आ गया इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। हमें डिप्लोमेटिकली भी ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक गेम्स खेलनी होंगी, जो लोगों को खासकर अभी जैसे आपने बयान सुना होगा कि एक फिफ्थ आई है। फिफ्थ आई का मतलब कि ये पांच देशों का समूह है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एक यूके। तो जैसे जो अभी कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लाए, वो फिफ्थ आई की ही देन है। कहते कि फिफ्थ आई ने कनाडा को शेयर किया कि निज्जर की हत्या के पीछे, जो कि सो कॉल्ड क्या है ही टेररिस्ट, उसने बकायदा, मैं निज्जर की थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा आपको, पहले 2012 में उसने पंजाब में अपना, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से एंट्री करने की कोशिश करी, था वो पंजाब का ही बसनीक, इंडिया का, पाकिस्तान चला गया, वहाँ पे आतंकवादियों के साथ ट्रेनिंग ली, उसके AK-47 के साथ फोटोज भी काफ़ी सारे देखने को मिले, इंडिया आया, इंडिया से वो फिर क्या हुआ, उसको इतना घास नहीं मिल डाला किसी ने, या फिर जो उसके मिशन थे उनके ऊपर वो कामयाब नहीं हो सका, उसके बाद वो कनाडा चला गया और वहाँ पे जाकर उसने खालिस्तानी मूवमेंट के लिए काम करना शुरू किया। तो सारे प्रूफ हैं। अब ये फिफ्थ आई के पास घंटे का प्रूफ नहीं, तो फालतू में इंडिया को दोष दे रहे हैं। तो कनाडा ने फिफ्थ आई के भरोसे में रह के एक, जैसे कहते हैं ना कि उड़ते झाड़ पे चढ़ गया, वो झाड़ ले लिया उसने, अब क्या बोलूँ मैं, फैमिली शो है। तो वही था कि उनको प्रूफ दें, उसके बाद जो इंटरपोल है, नहीं जाहिर सी बात है, लिस्ट जैसे आप सुन रही हो अभी, जैसे NI ने आप सुनी होगी कि NI ने लिस्ट जारी की खालिस्तानियों की या कुछ लोगों की, तो इंटरपोल को ये लिस्ट दी जाए, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो ये मैटर सरकार का कि कैसे, अगर डिप्लोमेटिकली कोई स्टेट जैसे USA वगैरह, UK वगैरह हो गया, हैंड ओवर करती है ऐसे लोगों को इंडिया को, तो बेटर है, नहीं तो फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो अभी इंडिया एज आ, जैसे कहते हैं ना कि राम मोसाद बन गया, मोसाद जो इसराइल की एजेंसी है, तो वो करने जानते तो वो कर रहे हैं। प्रमोटिंग सिख कल्चर एंड आइडेंटिटी। अगर हमने फिल्मों में देखा होगा तो आपको तुल तुल तड़क तड़क पंजाबियों में कहीं ना नीचा दिखाने की कोशिश है कि पंजाबी है बल्ले बल्ले करने लायक है। मैंने कोई ऐसा पंजाबी नहीं देखा जो बल्ले बल्ले करता है, ठीक है, मैं खुद पंजाबी हूँ, ठीक है, मैं सरदार नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे बल्ले बल्ले करते रहते। पंजाब यूएस रेस कॉल, एक जोक बनाने बंद करो कि ये सरदार 12 बज गए, 12 बजने का आपको मतलब नहीं पता, जब गजनबी हमारे हिंदू भाई बहन बेटियों को या हिंदुस्तान की बहन बेटियों को लेके जा रहा था, तब 12 बजे रात को सिख वहाँ पे अटैक करते, छुप के गुरीला वॉरफेयर करते उस जमाने में, और हमारी बहन बेटी को छुड़ा के लाते। तो ये ऐसे जोक्स बनाने बंद करें, जो पंजाब का सर सिखों का एक्चुअल कल्चर है उसको प्रमोट करें, कितनी बहादुर कौम है और दे डिजर्व रिस्पेक्ट इन इंडिया स्टेट। ऐसा नहीं कि वह सरदार नहीं, दे डिजर्व रिस्पेक्ट, ये बहुत हौसले वाले बुलंद योद्धा हैं। और आज भी इंडियन आर्मी में अगर आप देखोगे, चाइना बॉर्डर पे आपने देखा होगा ना, हमारे 6-7 जवान पंजाब के ही शहीद हुए थे, उन्होंने पीटा चाइना, जब जब जंगे लड़ी, जब जब देश के ऊपर कोई आफत आई तो पंजाब आगे हुआ। तो मैं कुछ उन लोगों से भी बात करना चाहूँगा जो कहीं भी किसी सिख को देख के या पंजाबी को देख के खालिस्तानी करने लग जाते हैं, खासकर जैसे अर्शदीप के टाइम भी हुआ था, जब वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। तो ये कहना बंद करो, तुम्हारे में इतना गुद्दा नहीं है, जुर्रत नहीं है तुम्हारी कि जैसे सिख जब पंजाबी सरदार हैं, जब पंजाबी लोग हैं स्टेट के लिए, स्टेट मीन्स कि इंडिया देश के लिए हमारे
खड़े हो जाएंगे या खड़े होते रहे हैं, बेशक वो देश पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, कोई नहीं खड़ा हो सका। अंग्रेज भी भगाने में पंजाब का ही हिस्सा है, पंजाब का ही रूल रहा है। शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराबा, शहीद भगत सिंह, कितने आपको योद्धा सुनो, कितने योद्धाओं के नाम गिने नहीं जाएंगे। अगर आप देश के शहीदों का नाम गिनने जाओगे 70% 70% पंजाबी ही आ जाएंगे। तो मेरी देशवासियों से अपील है, एवरी सिटीजन नॉट अ खालिस्तानी, खालिस्तानी है नॉट स्टेट एक्टर्स है, गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना जरूरी है जो मैंने पॉइंट्स गिने। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और मिलेंगे आपके साथ, आपके रूबरू करेंगे नए नए टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आप आगे किस टॉपिक के ऊपर रिएक्शन चाहते हो। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।